जय श्री राम सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, आज जर्नी का मेरा तीसरा डे है और अब मैं निकल चुका हूँ मंजिल की तरफ, राम जी के दरबार में। और मैं भी चलते चलते 1 किलोमीटर आगे आ गया है ना। आज नाइट का स्टे कुछ अच्छा था, बस थोड़ी थोड़ी ठंड लगा। और गाइस, आज के जर्नी पूरा जंगल के बीचों बीच होने वाला है, पूरा 30 किलोमीटर जंगल ही जंगल है, बहुत बड़े बड़े सुनने में आया है। इधर हाथी वाथी भी आता है, तो देख ताक के जाना बोल रहे थे। हाईवे रोड है रहने को, तो इसमें आना जाना होता ही रहता है, तो फिक्र कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और अभी चाय बिस्किट करूँगा, फिर उसके बाद निकलूँगा यहाँ से। बिस्किट थोड़ा सा बचा रखा हूँ, मैं उसको खाने वाला हूँ। अभी रास्ते में खाते खाते आया था। तो दोस्तों, चाय वाय पी के निकल चुका हूँ मैं अब। पूरा बहुत बड़े बड़े जंगल है गाइस, चलिए आपको जंगल दिखाऊंगा। बहुत बड़े बड़े जंगल है, ये देखो। जंगल के बीचों बीच चल के जा रहा हूँ गाइस, पैदल पैदल अकेले जा रहा हूँ। तो आप सब प्यार एंड सपोर्ट कीजिएगा और मेरे इस ब्लॉग में आप सब का स्वागत है गाइस। लेट से शुरुआत कर रहा हूँ, बट शुरुआत कर रहा हूँ और नया क्रिएटर हूँ तो सपोर्ट करना। ये देखो गाड़ी, गाड़ी कैसे समझ नहीं आ रहा है, वो नया बन रहा है, बनने को गया जा रहा है। इधर देखिए, ये भी नया है, बहुत बड़ा। ये नीचे उतारू है, ये बहुत बड़ा उतारू है, देखो। इसमें से मैं पैदल चल चल के जा रहा हूँ। जय श्री राम। जी, राम मंदिर आ रहा हूँ। हाँ, सुबह नाश्ता किया था नहीं भैया, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। नहीं, आशीर्वाद आपका। तो दोस्तों, अभी इतनी बड़ी पहाड़ों और जंगलों को क्रॉस करके अब मैं अंबिकापुर ले लूँगा, जसपुर। इधर हाईवे रोड पहुँचने वाला हूँ, हाईवे प्लेसमेंट में। और ये देखिए बैनर, और यहाँ बजरंगबली का मंदिर है आगे, यहाँ थोड़ा पूजा कर लेंगे यार। और चलिए चलते हैं अब आगे, यहाँ बजरंगबली के मंदिर में आगे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और दोस्तों, पहाड़ बहुत दूर तक है, देखिए। ये चेक करो गाइस, आगे अभी और भी जाना है, बहुत दूर है, पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल ही जंगल। इसमें अकेले चलते चलते जा रहा हूँ और राम जी का दरबार तो जा रहा हूँ, राम जी का नाम लेते जा रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबका प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, मैं मंदिर पे आया हुआ था और हनुमान जी का आशीर्वाद भी ले लिया, अब यहाँ से निकलता हूँ, चलिए। अरे देखो भाई, इतनी बड़ी बड़ी जंगल है, पूरा दिमाग खराब है यहाँ, सोचा नहीं था ऐसा जंगल होगा, बट कोई नहीं, मंजिल तो पा ही जाएंगे, राम जी का दरबार ही है। जय श्री राम। अभी तो बस मैंने 10 किलोमीटर जंगल चला है, अभी और 20 से 25 किलोमीटर बचा है गाइस। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, मुझे कवर करना है आज पूरा जंगल में, नहीं तो फंस जाऊंगा आज। 30 से 35 किलोमीटर पूरा जंगल है, उसके बाद शहर आएगा ले लूँगा। और गांव कुछ नहीं है और सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत पकड़ा हुआ था बैग में बिस्किट वगैरह, और सुबह चाय भी पिया था। आज खाने को नहीं मिलेगा दिख रहा है, बस श्री राम के भरोसे चलते हैं आज। जय श्री राम। चलिए तो गाइस, चलते हैं आगे। ये देखिए ढालू, कितना बड़ा ढालू है, सोचा नहीं था भाई इतना बड़ा पहाड़ होगा। पहाड़ के ऊपर में ना, इतना बड़ा पहाड़ के ऊपर में रोड बना है, बाकी रोड एकदम फाइन है, हैवी रोड है, काफ़ी अच्छा है, लग रहा है। बट चल चल के जा रहा हूँ, पैरों में तो दर्द है नहीं है, बट ना इसमें कंधों में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, ये बैग बहुत भारी है, क्योंकि पैर तो मैं रिहर्सल करके आया था, तो पैरों में दर्द नहीं। तो दोस्तों, अभी बहुत थकान लग रही थी तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी। और यहाँ पे एक दीदी ने फल मूल दिया था, उसको खा रहा हूँ बैठ बैठ के। तो दोस्तों, सच में यार इन पहाड़ों को चढ़ने में जिगरा चाहिए, ये सोच। ये देखो गाइस, पूरा इधर रास्ता, सच में इन पहाड़ों को चढ़ने के लिए जिगरा चाहिए। पता नहीं राम जी का नाम लेते लेते मैं कैसे चला जा रहा हूँ, राम जी लगन आपसे लग गई है, जो होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, इन जंगलों में अभी मैं पैदल पैदल जा रहा था तो एक भैया जी मिले और ये संतरा दिए,
जिसे मैं अभी खाते खाते जाऊंगा। अच्छा लगा भैया जी से मिलके। और गाइस ये देखो नाला, ये नरवा यहाँ पे है गाइस। इतनी कड़कती धूप में नहाने का मन कर रहा है मेरा। पैदल पैदल आ रहा हूँ राम जी के दरबार, इतने धूप में चलते चलते। और ये देखो गाइस तगड़ा सा व्यू पूरा। अब जंगल क्रॉस हो गया, कुछ दूर और बचा है जंगल क्रॉस करने में। पहाड़ का तो भंडार है सामने, बहुत बड़ा पहाड़ है बेटा, दिमाग खराब है। क्या क्या बोले जा रहा हूँ मैं, सच में यार एक और पहाड़ आ गया ना, मैं हैरान हो जा रहा हूँ। फिर से चढ़ना पड़ेगा उतना बड़ा पहाड़। कोई बात नहीं, राम जी साथ हैं, पता है मैं राम जी को साथ लेके चल रहा हूँ। ये देखो गाइस भैंस अभी तक इधर हैं और पूरा जंगल इलाका है यहाँ। मैं आज दिन भर से जंगलों में भटक रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैं लहलू का एंटर कर चुका हूँ और अभी भी नाइट में पैदल चल रहा हूँ। और एक जन भैया ने इनवाइट किया है कि मेरे यहाँ रुकना, जिसका नाम दीपक सिदार है, तो उन्हीं के यहाँ रुकूंगा मैं आज। और ये देखो दोस्तों मैं लहलू का पहुँच चुका हूँ और लगभग मैंने 47 किलोमीटर कवर किया आज, बहुत ही ज़्यादा चला और बड़ी बड़ी पहाड़ों से पैदल चलते आया हूँ यार। पैरों में हल्की हल्की सी दर्द है बट कंधों में ज़्यादा दर्द है क्योंकि बैग इतना भारी था। तो दोस्तों अभी मुझे रहने के लिए जगह मिल चुका है, यहाँ पे भैया लोग हैं जो मुझे अपने घर में चुकाए हैं। और यहाँ लहलूंगा पहुँचा तो गाइस ये ग्लव्स एक जिन भैया मुझे लेके दिए हैं। मैं बोल रहा था उनको नहीं लगेगा बोर्ड के, फिर भी उन्होंने मेरे लिए ले दिए, तो थैंक यू उन भैया। अभी रात के बज गए हैं 10, अब सोने का वक्त हो गया है और वीडियो एडिटिंग भी करना है तो लेट ही हो जाता है सोने में। तो आप सबका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट। आज मेरा जर्नी का डे 4 है और मैं घर से अभी 120 किलोमीटर पैदल आ चुका हूँ और अभी मुझे और 10 किलोमीटर पैदल चलना है। और